दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपकी प्रॉपर्टी कहां पे बंधक है, उस पर कितना लोन लिया गया है, किस बैंक से लिया गया है, कितना लोन लिया गया है, पूरा प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मूव में। दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे आप लोग को चेक करना है और लाइव चेक करके आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पे बंधक है, कितना लोन लिया गया है उस पर, यही आप लोगों को बताते हैं। देखिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर मोबाइल में या लैपटॉप में ओपन कर लीजिएगा, अमित टेक इंजीनियरिंग इस तरीके से सर्च करिएगा। जैसे आप इस पर सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। गवर्नमेंट स्कीम में आते हैं, ये पुश नोटिफिकेशन आप लोग अलाउ जरूर कर लीजिएगा। यहाँ गवर्नमेंट स्कीम में आते हैं, यहाँ पर देखिए खसरा खतौनी के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेरा उत्तर प्रदेश, हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं। नीचे स्क्रॉल करके अब आपको आ जाना है खसरा खतौनी कैसे देखना, इन सभी टॉपिक पर वीडियो बना चुके हैं। जैसे कि अपने गाँव का कोड आपको कैसे देखना, क्योंकि गाँव का कोड बहुत ज़रूरी होता है, हर जगह यूज पड़ता है, ठीक है। नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है इसके सामने। अब देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे बैंक बंधक डैशबोर्ड उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे रियल टाइम खतौनी की नकल, इस पर आप सिंपल सा क्लिक करेंगे और ये जो कैप्चा है यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पे फिलअप कर ले रहे हैं, देखिए हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया, अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यानी आपको अपना जिला जनपद सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका कौन सा है वो आप सेलेक्ट करिए। जैसे कि मेरे केस में अलीगढ़ है तो हमने अलीगढ़ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है तहसील कौन सा है, तो इगलास तहसील है, सिंपल सा हम इगलास तहसील सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो जो होगा इसमें से कोई और ज़िला होगा या कोई और तहसील होगा तो वो आप सेलेक्ट करते चलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्राम क्या है, ग्राम का नाम आपके क्या है, तो यहाँ पे अतुरा करके है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम ये सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने ये डैशबोर्ड इस तरीके का आएगा। यहाँ पे देखिए आप अपने जो भी आपका प्रॉपर्टी पेपर उसमें गाटा नंबर दिया रहता है, गाटा खसरा या गाटा नंबर यहाँ फिलअप करके आप खोजे पे क्लिक करेंगे। अगर ये नहीं है तो खाता संख्या जो है वो यहाँ पे फिलअप करके खोजे पे क्लिक करेंगे। वो भी नहीं है तो जिनके नाम से प्रॉपर्टी का पेपर, जिनके नाम से ज़मीन है उनका नाम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उनका नाम यहाँ पर फिलअप करके खोजेंगे। अब भूमि श्रेणी द्वारा नहीं है तो यहाँ पे भूमि श्रेणी द्वारा भी खोज सकते हैं और यहाँ पे नामांतरण दिनांक से भी खोज सकते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा गाटा नंबर ही है तो गाटा नंबर पे हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाटा नंबर फिलअप करेंगे और खोजे पे हम सिंपल सा क्लिक कर देंगे। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पे गाटा नंबर फिलअप कर लिया, अब हम क्या करेंगे खोजे पे सिंपल सा। जैसे हम खोजे पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, कितनी ज़मीन है सब के सब यहाँ पे दिखेंगे। अब इस वाले चेक बॉक्स को अपना गाटा नंबर मैच करा लेना है और इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर नाम के द्वारा आप खोजेंगे तो सभी नाम आ जाएंगे, तो आपको इस पर नाम बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो उसमें आपको नाम सेलेक्ट करना है कौन सा नाम है, उसके आगे इस तरीके का गोला बना रहेगा, उस चेक बॉक्स को फिलअप कर देना रहेगा। और उसके बाद आपको क्या करना, उदाहरण देखे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये जो कैप्चा है यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। जैसे कि हम फिलअप कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे ये कैप्चा फिलअप कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कैप लॉक ऑन दिखा रहा है, यहाँ पे हमने ऑन रखा है। उसके बाद यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन है, सिंपल सा इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका पूरा डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, जैसे ग्राम क्रमांक यहाँ पे आ जाएगा, ग्राम और परगना क्या लगता है, तहसील क्या लगता है, जिला क्या है, जनपद क्या है, फसली वर्ष कौन सा है और भाग या खाता संख्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिए खसरा गाटा संख्या यहाँ पे पूरा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी गाटा नंबर है उन किनका किनका नाम है, किनका नाम चढ़ा है, किस किस को बेचें, पूरा डिटेल यहाँ पर खुलकर आता है। तो नीचे आपको स्क्रॉल करके चलना है, सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। देखिए सब दिया, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, सब डिटेल दिया हुआ है कि 4/6/2022 के अनुसार मौजा अतुरदा के खाता संख्या दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कितना लिया गया, 1,96,000 कर्ज लिया है। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल खुलकर आ गया, कितना लोन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखाया गया है बंधक है कि नहीं, अगर बंधक नहीं रहेगा तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा, अगर पूरा बंधक मुक्त हो जाएगा तो वो भी पूरा डिटेल दिखाएगा।
तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे चेक करना है, पूरा डिटेल यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। जैसे 50,000 यहाँ पे 4,80,000 लिया गया है, 1,40,000 लिया गया है, तो इस तरीके से आपको पूरा देखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। अगर आप लोग हमारे फेसबुक पेज को नहीं फॉलो किए हैं तो फेसबुक पेज को जरूर से जरूर फॉलो कर लें ताकि जब भी हम वीडियो वहाँ पर भी अपलोड करें उसका भी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।